Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, debunking mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Thank you all for making 2023 great for us. And I have a very, very special guest whom I love personally. I met him first time in Jaipur Dialogues. And I was I've always liked his analysis. Brings an original flavor. So without delay, let us welcome Dev Talks. आदि अचिंत जी वेलकम थैंक यू वे नमस्कार 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 तो अभी दुनिया में बहुत हलचल मची हुई है और मैं तो बहुत खुश जनवरी के लिए भगवान राम का मंदिर अब हम है इस समय पूरी तरह से और सारे असुर लोग भी भाग रहे हैं लेकिन भगवान राम ने पूरे विश्व पे राज किया था वाल्मीकि रामायण एक ऐसी पुस्तक है जो हर कॉन्टिनेंट की बात करती है वो हर जगह भगवान राम दंड देकर आए किसी को छोड़ा नहीं है आज तक तो पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो, आ, ये जो जो माइंडसेट था भगवान राम का और आज की जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है जयशंकर जी की और इन सब की कहां पे आप को एक देखते हैं या फिर इससे भी और एग्रेसिव हो सकती है फ्यूचर में इन द फ्रॉम द लेटेस्ट है बड़ी सही चीज बोली है क्योंकि जो भारत की जियो है थोड़ी थोड़ी चेंज होगी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स हम लोग जो देखेंगे कि uh, आप एक जगह ले रहे हो दुनिया के अंदर जो बहुत लोग uh, लेना चाहते हैं एक 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 बैलेंसिंग पार्क की आप जगह ले रहे हैं एंड uh, बहुत लोग यू uh, नो you know, जो रशिया का विजिट है उसको यूएसए के अगेंस्ट uh, मानते हैं बट मेरा उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन है क्योंकि ये जो विजिट्स होती हैं दिज आर नॉट जस्ट मैं जरा जहाज में बैठ के चले गया पुतिन से मिलके आता हूँ करके ऐसा नहीं होता uh, जयशंकर जी का ज्यादा दिन, uh, दिन दो से ज्यादा दिन रहता है उसका मतलब है कि समिट के लिए प्लानिंग हो रही है ठीक है और वो चीज बाहर निकली थी समिट मीन द लीडर्स का मीटिंग दो जो हेड्स ऑफ स्टेट है उनकी मीटिंग के लिए क्योंकि काफी चीजें क्लोज करनी पड़ती हैं कब आएगा कैसे आएगा कहाँ जाएगा किसके साथ खाएगा क्या करेगा किसके साथ मिलना है ये है वो है ऑल दैट स्टफ है आपको पता बताइए जब मोदी साहब बाहर जाते हैं ही विल काइंड ऑफ मीट वो दायसपुरा से भी मिलते हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी मिलते हैं उनको टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक है तो टेक्नोलॉजी वालों से भी मिलेंगे हर जगह पे इधर उधर जाके वो अपनी एक चीज सेट करते हैं एंड कौन सी कौन सी सिटीज में जाएंगे ये वो काफी सारी चीजें होती हैं उसके अंदर सो दिस विजिट इज इज समथिंग नॉट न्यू ये काफी टाइम से प्लान हो रही थी एंड लोगों को जान के थोड़ी हैरानी होगी कि, कि मेरे को तो इसमें से हिंट्स मिली थी राइट फ्रॉम ऑगस्ट कि जयशंकर जी का विजिट होगा यू uh, नो you know, रशिया का मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब लावरव साहब आए थे यहाँ पर इवन ड्यूरिंग द जी ट्वेंटी उस टाइम पे हिंट्स निकली थी कि जयशंकर विजिट इज नेक्स्ट तो वो यू you नो know, काफी सारी चीजें थी जिसके अंदर ये करना है यूएसए एक, एक, एक रिसीविंग पावर की तरह बिहेव कर रही है आज फिलीपींस uh, में झगड़ा हो रहा है यूएसए बस पीछे से खड़े होके लड़ 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 कोई बात नहीं लड़ 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 कोई बात नहीं अः इसराइल में झगड़ा हो रहा है कल तो एक स्टेटमेंट आ गया भाई एक और भी है बट जस्ट दू नो दैटी पार की तरह दिखता है। में भारत खराब हो रही है इनकी सो um, so एक जो भारत अपने आप को एक रोल अपने लिए एक रोल क्रिएट कर रहा है विच इज द फैक्टर कि भाई हम एक ऐसी पार है जिसको आप डिपेंड कर सकते हो हमारे पास जितनी कैपेसिटी है उतनी हम कर सकते हैं उसके आगे हम करने की बात भी नहीं करते बट यू कैन डिपेंड ऑन इंडिया ठीक है फॉर फॉर थिंग्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे देखिए रशिया के साथ आपके रिलेशन बड़े पुराने हैं इट्स नॉट समथिंग इज न्यू जयशंकर जी ने तीन चार चीज बोली थी वहां पर विच आर वेरी इंटरेस्टिंग उन्होंने बोली थी कि दिस इज ओनली इन यू नो डायनामिक वर्ल्ड अब ये मैसेजिंग भी होती है ठीक है तो कई लोग उसको देखेंगे कि देखो आसिम मुनीर को बुलाया वहां पर एंड विक्टोरिया नूलैंड और एंटनी ब्लिंकन के साथ फोटोग्राफ रिलीज करी नाउ आर 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 ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट बट ऑप्टिक्स अब वो रिलीज करी दे कुड हैव नॉट रिलीज इट दैट वाज रिलीज फॉर अ रीजन ऑफ ऑप्टिक्स की दिखाना है दुनिया को कि देखो यार हमारे पास भी इतने पाकिस्तान भी दिखाने की कोशिश कर रहा है और यूएसए एक तरह से मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है इंडिया को कि देखो यार पाकिस्तान को हम पहले भी सपोर्ट करते थे आगे भी उसी तरह कर सकते हैं करेंगे नहीं कर सकते हैं दे इज अ डिफरेंस क्योंकि जो पाकिस्तान मांगने गया था वहां पर वो तो अप्रूव नहीं हुआ है यूएसए ने उसको बोला भाग जाए नथिंग प्लीज गेट लॉस्ट तो देखिए एक होता है डिस्प्ले और एक होती है कैपेबिलिटी टू डू समथिंग दे आर टू डिफरेंट थिंग्स यूएसए टुडे कैन ओनली डिस्प्ले कैपेबिलिटी करना थोड़ा उसके पास आज डिफिकल्ट है तो रशिया के हिसाब से अगर भारत आप बोले कि देखिए आप गए थे क्योंकि यूएसए ने आपको पन्नू के चक्कर में फंसा दिया ये वो दीज आर स्मॉल थिंग्स ये इतनी बड़ी कंट्रीज के बीच में ऐसे डिफरेंसेस होते रहते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली चूज फाइनेंशियल टाइम्स ओनली क्योंकि वो डीप स्टेट का एक माउथ पीस है uh, तो उसने इंटरव्यू uh, लिया प्राइम मिनिस्टर मोदी से और प्राइम मिनिस्टर ने बोला ठीक yeah, है स्मॉल थिंगशिप that और ये टाइम देखिए ये उसी टाइम पे हो रहा था जब जयशंकर जी रशिया में थे उसके आसपास दैट्स थिंग्स जो होती है ना से ये बड़ी प्लान होती है सर्टन इमेज uh, कई लोग उसमें बह जाते हैं कि साहब वो हो अब तो भारत ने छोड़ दिया यूएसए को अब तो रशिया की आप किसी की गोदी में जाके नहीं बैठे साहब ना आप यूएसए की गोदी में है, ना रशिया की गोदी में, की में चांस नहीं है

कोई 900 1200 पार्ट्स के ड्राइंग्स आनी थी उसमें से 600 आई हैं अभी तक जो नया इंजन बनना बनने की आ, बात कर yeah. रहे हैं ना जी 414 404 डिले चल रहा है ठीक है सो इफ यू आर गोना डू स्टफ लाइक दिस देन वी आर गोना लुक फॉर ऑप्शंस नाउ दैट ऑप्शन इंक्लूड्स रशिया दैट ऑप्शन इंक्लूड्स फ्रांस हम लोग फ्रांस भी अभी वो और हैं मैक्रोन साहब यहाँ पर और राफेल का कुछ एक वो टिक टिक हो जाएगा

एंड दिस इज द प्रॉब्लम विदएस पॉलिटिक्स नॉट एनिथिंग एल्स क्योंकि वो जो बाइडन की जो है भी. कोई अभी इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि यार जो बाइडन के साथ आप जरा आप जाके खड़े हो जाओ यू नो लेट लेट से वो बोले की जो बाइडन बोलता है जी मैं आ रहा हूँ अप्रैल में आता हूँ मैं मैं मोदी साहब के इलेक्शन से पहले आता हूँ या इलेक्शन के बाद आता हूँ मोदी साहब से मिलने के लिए जून जुलाई में आता हूँ

नॉर्मल सर्कमस्टांस में बोल रहा हूँ जहां पर पीसफुल यूएसए में इलेक्शन अब देखिए ये हालत देख लीजिए यूएसए में पीसफुल इलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर लोगों को डाउट है लेकिन भारत में क्या इलेक्शन होगा कैसे होगा किस तरह से होगा हमको इलेक्शन से पहले जो कचरा होगा उसमें थोड़ी सी घबराहट है लेकिन इलेक्शन के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीबडी नो पीसफुली निकल जाएगा कुछ नहीं होना वहां इज नो कुछ नहीं होगा इलेक्शन से पहले ये देवकुफिया चलेंगी थोड़ा सा गेम्स होंगी आप अपना रियल पॉलिटिक खेल रहे हो साहब रियल पॉलिटिक इज ऑल अबाउट बीइंग रियलिस्टिक ठीक है ये जो आइडियलिज्म होता है आप इसके साथ खड़े हो आप उसके साथ खड़े आप किसके साथ नहीं हो हाँ ठीक है इसराइल की जंग शुरू हुई थी जब गंदा टेररिस्ट अटैक हुआ था मैंने भी बोला था आई आई स्टैंड विद स्टूड विद विदराइल अगेंस्ट टेररिज्म इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां जाके उसके साथ गोलियां चलानी शुरू हो जाऊं सॉरी ये लोग तो चाहते हैं इसराइली चाहेंगे अमेरिकन चाहेंगे कि आप रेड सी में घुसे कुछ करें वहां पर मैं क्यों करूं यार

वन वन क्वेश्चन कि वो जो अटैक हुआ था उसमें आपको लगता है ड्रोन था या फिर वो मिसाइल था लॉस मिसाइल ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर क्योंकि अगर आप थोड़ी टेक्निकलिटीज में देखिए ड्रोन को एक मूविंग टारगेट पे हिट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी दैट एवरी कंट्री हैज फॉरगेट अ ड्रोन इवन अ मिसाइल मूविंग टारगेट मतलब दैट मिसाइल हैज टू कीप ट्रैकिंग एंड मूविंग

ठीक तो है, है. Right? है, है अगर पाकिस्तान होता तो बोल देते जो मेरा पहला डाउट था आज भारत कुछ बोल नहीं रहा ना आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बोल रहे हो ना कुछ सो दो तीन चीज हो सकती है या तो ईरान की तरफ से एक ड्रोन आया वो लगा आपको जाके ईरान को चाइनीज ने टेक्नोलॉजी काफी दे रखी है या यूएस की तरफ से कुछ आया मतलब इज अब वो रिकॉन्सेंस होती है उधर पे ईरानियंस भी अपने ड्रोन भेजते हैं पाकिस्तानी भी भेजते हैं यूएसए को कोई थ्रेट आया होगा उन्होंने मिसल फायर करी एक मिसल आके आपको लग गई कुड बी पॉसिबल सो दो ऑप्शन है यहां पर इसमें आप बोल रहे कहीं पे कुछ, क्योंकि आपको एक अपर बोलोगे तो हमेशा पत्ते अपनी छाती के पास रखते हैं सही टाइम पे खोलते हैं उनको. इस राएट राएट तो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर अगर ईरान ने कुछ करा है और आपको पता है तो मैं अगर हूँ तो मैं तो ईरानी खोलूंगा हाँ भाई क्या कर रहे थे तुम मेरे शिप को आपने हिट करा भाई साहब जरा ठंडे हो जाओ मैं कुछ बोल नहीं रहा इसके बारे में बट जब मेरे को आपकी जरूरत होगी मैं आपको फोन करूंगा एंड प्लीज अंडरस्टैंड मैं इसका बड़ा क्रिएट कर सकता हूं। वो करके फोन नीचे रख दो तो हुआ क्या जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस होगा आपके और ईरान के बीच में आपका हाथ थोड़ा ऊपर हो जाता है उसमें सेम इज केस विध यूएसए कि अगर यूएस का कुछ आया है कुछ हिट हुआ है आपको तो कल को जब यूएस कुछ अगर इधर उधर कुछ करे तो आप बोल सकते हो साहब ठहर जाओ वो याद है

या भारत की तरफ आती है एंड मेरे हिसाब से नथिंग विल हैपन आफ्टर दिस आल्सो ए ग्रेट ग्रेट एनालिसिस और आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो टू नो एक आपने जेराल्ड फोर्ड का बात किया जेराल्ड फोर्ड का और मुझे मौका मिला था शिप पे जाने का ह्यूज इट्स लाइक अ जस्ट अ प्लेजर टू बी ऑन एंड आरले बर्के क्लास करियर डिस्ट्रॉयर्स आल्सो डीजी 69 एवेंट यूएसएस मिलियस

हमारा शिप डिप्लॉयमेंट विल बी फॉर आर ट्रेड हमारी ट्रेड पे थोड़ा फोकस रहेगा और बाकी इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ होता है रिसेंटली हाईजैक टू थाउजेंड सिक्सटीन और ये एरिया जो जहां पर सोमाली पायलट इतने एक्टिव हैं वॉज कंट्रोल्ड बायी टू अक्सटेंड ठीक है तो आपका उल्टे काम कर ही जाता है तो ये फटाफट ये इंडियन नेवी ने, ने, ने रिस्पोंड करा हमारी शिप उस तरफ गई कोस्ट गार्ड वेसल्स गए ये गए वो गए जो भी हमारा एक एयरक्राफ्ट ने ना कि उसके ऊपर फ्लाई करा उसकी फोटोग्राफ ली सब कुछ करा मैटर ऑफ फैक्ट उस क्रू में एक बंदा इंजर्ड था उसको एक हाईजैक शिप के अंदर से इवैक्यूएट करके आप लेके आए हो वापस दिस इज व्हाट भारत इज़ डूइंग यूएसए के हिसाब में आप जनरल फोर्ड को देखिए अगर वो वापस गए हैं कुड़ बी टू थ्री रीजंस वन ऑपरेशनली उनको रीसेट करना, हो, करना हो, दूसरा देखिए जो इसराइल की वॉर है इट इज

क्योंकि हम आसने जो चीजें करी वो तो आइसिस के हिसाब से है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये जितनी भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी थोड़ी सी वो है कि यार ये नहीं यार ये नहीं हम नहीं कर, कर सकते आई गिव यू स्मॉल ऑफ हेजबोला टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन में जब आईसिस आया था उस रीजन के अंदर उन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट इसराइल में एक टाउन को नॉर्थ ईस्ट लेबनॉन में एक टाउन को कैप्चर किया था ISIS ने लेबनीज आर्मी इतनी स्ट्रॉग है नहीं इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है तो एज अ मिलिशिया वेंट एंड एंड उस टाइम पे जो हेजबोला के आज करंट चीफ है नजर अल्लाह ने उन्होंने बोला था ये जो मारकाट करते हैं आइसिस वाले ये हमारी वी डोंट स्टैंड फॉर दिस हम लोग सिविलियंस को नहीं मार सकते वी विल नॉट डू दिस ठीक है कोई गलती हो जाती है वॉर के नीचे ये वो दैट इज फाइन बट हम लोग टारगेट नहीं करेंगे एंड ये जो गौरी चीजें आईसिस वाले करते हैं दिस वी डोंट स्टैंड बाय इट एट ऑल तो आज तभी ना हमास को आईसिस से, हमास को से इक्वल टू आईसिस करते हैं ताकि एक मैसेजिंग जा सके इन सब ग्रुप्स को कि देखो यार अगर आपको ये इन लोगों के साथ ठहरना है तो यू आर देन ना 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 क्योंकि ये जितने भी मिडिल तो कितने टाइम तक आप टेरर नेटवर्क बना के चलोगे सर

कहीं ना कहीं अमेरिकन का एक थोड़ा सा डाउट आता है ऑफ शोकेसिंग द स्ट्रेंथ दे नॉट विलिंग टू डू दैट टुडे आई कॉल दिस अफगानिस्तान सिंड्रोम में थोड़ा सा डर गए हैं कि यार अगर हम किसी में घुस गए तो 20 साल और फंस जाएंगे जाके तो ये थोड़ा सा आई कैन सी अ लिटिल रिलक्टेंस इन देम विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द वर्ल्ड पुलिसमैन जो बोलता है कि भाई मैं दुनिया की रक्षा करता हूँ उसके हिसाब में उसके अंडर ये चीजें हो रही हैं और जो अमेरिका की जो नेवी बनी थी सर 1945 में जब इनकी नेवी दुनिया में जानी शुरू हुई इन्होंने दुनिया को एक ही चीज बोली देखो साहब जितनी भी आपकी ट्रेड है आप जिस मर्जी से जो मर्जी बेचो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी नेवी हर जगह रहेगी आपकी ट्रेड लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो करते रहे इतना टाइम तक दे बिन यूजिंग अदर हेल्प यू नो टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर पावर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड दे डूइंग इट उन्होंने एक चीज मांगी थी बस दुनिया से कि साहब ऐसा है जब आप अपनी सिक्योरिटी करोगे उस रीजन की आपके रीजन की उसमें हमारा थोड़ा ध्यान रख लेना इज अ वेरी फेयर थिंग अमेरिका पैसे खर्चा कर रहा था दुनिया की सीलेंस को चलाने के लिए तो उससे आपसे बोलता था यार थोड़ा सा प्लीज आप देख लो अब जो उस चीज को तोड़ता था ये भी उसके पीछे पीछे जाते थे गद्दाफी ने करने की कोशिश करी सद्दाम ने करने की कोशिश करी सो दे गेट आफ्टर देम जो भी ऐसे कुछ करता है

UAE वाले जो सदर लेवल को कवर करते हैं उनको बोलते हैं सदर्न टेरिटोरियल एस बोलते हैं सी का फॉरगेटिंग द फुल फॉर्म टेरिटोरियल कम्युनिटी समथिंग है वो अमराती बोलते हैं मारो इनको क्योंकि उनका थोड़ा गड़बड़े होती है इसके साथ तो उसमें पॉलिटिक्स भी है बीच में अमेरिका भी देखो अब मिडल ईस्ट में अमेरिका का थोड़ा सा जज्बा लो है यू नो दैट इन्फ्लुएंस इज लोअर

Which is India. यार आप मुझे बताओ जसेंद्रूडो को आप चोट नहीं कर सके I mean, भाई भाई था नहीं? अमेरिका आंख दिखाता था की पानी निकल जाता था वो तेरी पिछड़ो पाकिस्तान की हालत आपने देखी है आज भी डरता है अमेरिका से वो अमेरिका आंख दिखाता है पाकिस्तान सब

पावर छीनी जाती है पावर मिलती नहीं है पॉलिटिकल चेंज कर लीजिए आप ग्लोबल ऑर्डर चेंज कर लीजिए पिछली बार ही जब ग्लोबल ऑर्डर चेंज हुआ था विच वाज इन 1945 आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर आई मीन 50 मिलियन लोग 60 मिलियन लोग मर गए उसके बाद जाके वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ आज थैंकफुली वी आर नॉट इन दैट टेरिबल स्टेट बट लोग फिर भी मर रहे हैं यूक्रेन ऑफ हैविंग वी हैव रीजनल वॉर्स

Uh, and I don't know whether you covered it or not. Venezuela or Guyana ka oil dispute chal raha hai. Aur wahan pe ek chota sa ek coast guard type ka British ship pahuncha wahan pe. And uh, US U uh, HMS Trenton, I think. Uh, पहुंचा वहां पे और उसने धमकाया एंड मडूरो भी खींच रहा है जबकि मडूरो इज सेलिंग ऑयल टू अमेरिका टुडे डिस्पाइट हैविंग सैंक्शंस ऑन तो

सप्लाई चेन कहीं पे कनेक्ट होती है और इट कैन अफेक्ट समवेयर एल्स और एक चीज आल्सो निकल के बाहर आई है लोगों को शायद मालूम ना हो मालूम भी होगा कि बिकॉज़ ऑफ इंडियास परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ ऑयल वर स्टेबलाइज्ड एक्चुअली अदरवाइज इट टूल बी 300 डॉलर्स अ बैरल सो कैन यू कमेंट ऑन दिस व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस प्लीज एक छोटा सा

हमने रशन हो है नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं ये ये मैं मैं मत करो यार तुम्हारी हालत खराब जाएगी तो आप प्लीज वापस ले लो मैं आपको ना आप डॉलर तो, थोड़ा लेवरेजिंग बोलते हैं इसको साउथ अमेरिका में सर जो इंटरेस्टिंग uh, सिचुएशन है क्योंकि एक रेफरेंडम किया ठीक है कितने लोगों ने एक्चुअली वोट करा नहीं करा पता नहीं कहता है वो एक पार्ट है वन थर्ड गायना जहां पर ऑयल एरिया है कहता है वो हमारा है एंड गायना इज अ वेरी क्लोज कंट्री टू भारत ऑल्सो बाय द वे हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं एंड वहां पर द साउथ अमेरिका चेयर फॉर हिंदी सिट्स इन गायना Correct. ठीक है उनके प्रेसिडेंट आते हैं वो भारत दिवस पे और हिंदी दिवस पे हमेशा भारत में होते हैं ठीक है है मुस्लिम प्रेसिडेंट बाय बाय द द वे वे उनका लास्ट नेम नेम अली फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम आई विल कम बैक टू मी नाउ विद दैट एरिया इज़ आप, way, आप उनको भी बेचते हैं, गायना को. आपकी तरफ से भी सिंपल सर देखिए वहां पर ना एक को पता है, आज उसका थोड़ा सा दरवाजा खुल गया है एंड ही ठीक है जब जो बाइडेन साहब आए थे ऑफिस में ट्रंप ने ईरान की ऐसी हालत करी हुई थी ईरान वॉज ऑन द नीज उसकी हालत आई मीन दे वर इन बैड कंडीशन ट्रस्ट मी अगर एक दो साल ईरान ऐसी और निकल जाता द पूरा ये जो इनकी ये जो गवर्नमेंट है जो लोग बोलते हैं इट्स हार्ड कोर इस्लामिक गवर्नमेंट देव फॉलो वो देवी टू टिक्राउंड

तो so वेनेजुएला को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यार आज तो कोई है नहीं मैं तो आई एम द चैंपियन ऑफ चैंपियंस खींच लो फटाफट वहां पर दो वॉर्स हो रही हैं तीसरे में कहा घुसेगा यूएसए तो जरा हम ट्राई कर लेते हैं ब्रिटिश ने एक शिप भेज दी है उधर पे इट्स इट्स अ गुड मैसेज बियॉन्ड विच इतना कुछ है नहीं उसके अंदर बिकॉज कुछ कर तो पाएगा नहीं इट्स नॉट दैट द ब्रिटिश कैन एक्चुअली एंटर दॉर और दिस एंड दैट Remember, वो एरिया में के थोड़े है क्योंकि वो इतनी हालत खराब है।, है इनके पास दो सुपर कैरियर है पता है आपको बड़े बड़े पहले उनके पास झाड़ नहीं है उनके लिए कैरियर तो बना लिए एक कैरियर को निकाला था अभी इसलिए नहीं थोड़ा तो टाइम पहले निकाला था वो, हाँ वो ब्लैक सी में जब चक्कर हो रहा था दे टुक इट आउट वो खराब हो गया वापस खींच के लेके जाना पड़ा उसको दूसरा ब्रिटिश के पास दो कैरियर्स तो हैं बट उसके साथ सपोर्टिंग शिप्स नहीं है तो इट कैन ओनली सेल एज पार्ट ऑफ एन अमेरिकन अर्माडा नेटो अर्माडा तो ई डजेंट है स्ट्रेंथ बट ठीक है कुछ कर सकता हूँ वो मैसेज के नहीं है वो अर्जेंटीना के लिए मैसेज है कि आप कुछ करना मत नहीं <laughs> you know, will, thing, so तो यू नो आई लिए आपने भी बोल दिया था <laughs> एक बार <पारी> तो, <laughs> you know, okay. <laughs> तो ब्रिटिशिंग हो, तो हो? <laughs> तो होती है थोड़ी सी देखिए सर अगर कोई भी कंट्री जो होती है अपनी अगर पार नेवल पार या एक फोर्स प्रोजेक्शन फोर्स को भेजेगा कहीं पे भी उसमें कहीं ना कहीं आपका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए या आप एक मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं आई गिव यू टू एग्जांपल्स हमने जैसे करा था जब अरदान पिछले साल थोड़ा ज्यादा कश्मीर कश्मीर करना शुरू हो गया था ठीक है पाकिस्तान के साथ मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा मैं ये करूंगा

तो आपने उनके साथ एक्सरसाइजिंग शुरू कर दी आप वहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर जाके से से मिलते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा तो नो डूइंग स्टफ लाइक दिस आज फिलीपींस और चाइना के बीच में थोड़ा सा गमसा चल रहा है साउथ चाइना सी में आपने भी भेज रखी अपनी नेवी वहां पर फिलीपींस और आपके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है जब वहां पर ऑलमोस्ट झगड़ा हो रहा है आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो उसके साथ कल से स्टेटमेंट आई इज नॉट ओके यू बी डूइंग दिस तो ये दिस दिस इज 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 नॉट फाइटिंग मैसेजिंग हम भी कर सकते हैं आप डिप्लॉय सी में यू नॉट डोमिनेट दैट एरिया ठीक है अमेरिकन से एक कोल्यूशन बनाने की कोशिश करी बट वो कोल्यूशन बना नहीं ऑस्ट्रेलिया ने एक शिप भेजी कहते हैं जी कुछ खराब हो गया वो वापस चले गए

सो so तो so, आपका इंटरेस्ट एरिया है आप करोगे कल को अगर कोई बोले यारेक्सिको uh, और बामस uh, के बीच में कुछ हो रहा है लड़ते रहो यार Ukraine, Russia, I am, I मेरा ना कुछ लेना देना है उस रीजन में ना कुछ है सो आई विल सेंड माई नेवी वेन मेरे को कहीं पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है

पीपल टू लिव इन ड्रीम वर्ल्ड इवन मैं खुद बोल रहा हूं, ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहे हैं एक बारी भी जो जो आप ईरान को गालियां निकालते हो ईरान को टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है ईरान बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है अच्छा यार वेरी गुड हमको नहीं पता था स्नेक उसकी पूंछ पे लात मारते रहो ठीक है, थीक है मारते काम सिर्फ हमारा do परेशान होता है आप, आप, आप ट्रेड में उसके पीछे लगे हुए हो आप मिलिट्री में उसके पीछे लगे हुए हो लोग बोलते हैं अभी तुम्हारे बॉर्डर पे तो खड़ा हुआ है अरे भाई साहब ठीक है अगर बॉर्डर पे खड़ा है मैं भी तो उसके बॉर्डर पे खड़ा हूं फ्लिप द स्विचार सिंपल एज दैट अगर आप डरे हुए हो कि चाइना कुछ कर देगा तो वो क्या वो क्या सुपरमैन है उसको डर नहीं बैठा इज ऑल्सो ह्यूमन बींग यार शी जिनपिंग चाहे जितना बावला हो बट इज ऑल्सो ह्यूमन बींग उसके दिमाग में भी होगा ना यार ये अगर मैंने इधर पे कुछ करा ये घुस गए अंदर तो मेरी तो नाक कट जाएगी यहां पर They are worried. Tomorrow, if I go into Taiwan and these bloody Indians come into Ladakh, what will I do? वहां पर यूएसए के साथ लड़ा पर इंडोर रे बाप रे बाप ना, 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 ना। तो आपको बोलते है, नहीं, नहीं, जी, बात करते हैं ट्रेड करते हैं जी हम ये करते हैं आप उनके दो बंदे वीवो के उठा के जेल में डाल देते हो करेक्ट उसने उठाया किसी को उठाओ ना टिटफोटाइट करो लेट सी वो आता था श्रीलंका यहां पर आपने उसकी बत्ती बंद कर रखी है वहां पर क्यों क्योंकि श्रीलंका ने बोला एक साल तक कोई चाइनीज मिलिट्री शिप नहीं आएगा यहां पर तो आपने क्वाइटली श्रीलंका को फोन किया होगा बेटा ऐसा है खाना खाना है ना हाँ <laughs> नहीं नहीं ठीक है ठीक कर देता हूँ फिनिश यू डोंट डू दैट वेरी ऑफन मालदीव्स का जब करते देखो सर मालदीव्स का क्या है <clears throat> आज उसका प्रेजिडेंट बोलता है मैं चाइना जाऊंगा जा लेट मी सी चाइना कमिंग एंड हेल्पिंग यू व्हेन देयर इज अ फ्लड व्हेन देयर इज अ साइक्लोन लेट सी जोग्रफी नाम की एक चीज होती है सर ये जो लोग होते हैं ना गधे जैसे पाकिस्तान है सबसे बड़े गधे हैं ये लोग हम चाइना के साथ दोस्ती करेंगे अबे चाइना डज नॉट फिट इन टू योर जोग्राफी पढ़ो ओपन अ मैप यू कांट बीट जोग्राफी इट्स नॉट पॉसिबल आप मॉल एक कंट्री है जो इंडियन ओशन के अंदर है नीड आई से मोर इट्स नॉट इन चाइना सी इट्स इन इंडियन ओशन वो साउथ चाइना सी में तो कुछ कर नहीं पा रहा यहां पर आके क्या करेगा एंड माल्डीज इज फॉरगेटिंग हिज हिस्ट्री सर कोई बात नहीं पीपल हु फॉरगेट द हिस्ट्री आर बाउंड टू मेक द सेम मिस्टेक्स एंड बाउंड टू गेट किक्ड अगेन एब्सोल्युटली एक्चुअली अगर हम ट्रेड रोड्स देखें एंशिएंट मैप्स के तो आ, क्योंकि अभी राममय चल रहा है तो मैम इन दैट मूड और मेरा बुक्स भी है उसमें तो जब ट्रेड रूट्स को देखते हैं थिंग इन द वर्ल्ड हैज चेंज सिंस द रामायण पीरियड नथिंग जिस तरह सुग्रीफ की सेनाएं गई थी और कॉन्कर किया था पूरे पृथ्वी को भगवान राम सीता को खोजने के लिए वही रोड्स आज भी दिखते हैं यूज होते हुए कहीं भी कुछ ऐसा नहीं नया कुछ इन्वेंट हुआ हो तो ये जो यूरोपियन डिस्कवरी पीरियड था वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए था एंड नाउ विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया

डू कि अमेरिका अपने आप को समेट रहा है और वो अपनी राजनाथ सिंह का एक वन लाइन स्ट्रक हुआ मुझे इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड इन द इंडियन ओशन रीजन विच इज अज एरिया

और योगा मुद्रा की नॉलेज थी तो योगा कितना पुराना है सिंपल क्वेश्चन ठीक है थोड़ा हमको वंडर करना चाहिए इस चीजों को योगा कितना पुराना है आप ये बता दीजिए मेरे को तो अगर हरपा हमारी बेसलाइन सिविलाइजेशन थी जो आज तक इंडिक नॉलेज है कि भाई हरप्पा से सब कुछ हुआ शुरू आई डोंट बिलीव सो

ऑलमोस्ट सेवन हंड्रेड किलोमीटर बाउंड्री राइट नो साउथ ईस्ट एशिया में ये जो एक जंग हुई थी ये जो वॉर हुई थी महाभारत की दिस वॉज नॉट अ स्मॉल लिटिल थिंग की कुरुक्षेत्र में हो रही है या पानीपत में हो रहा है या इधर हो रहा है उधर हो ऐसा नहीं था ये दिस वॉज अब अठारह मिलियन लोग मर रहे थे इसके अंदर नहीं एक्चुअली वो तो एक सिटी में युधिष्ठिर बोलते हैं राष्ट्र को एक अरब छियासठ करोड़ लोग मरे जैसे काउंट ही सेजन श्री पर्व या तो ये क्या मतलब एक वो कुरुक्षेत्र के छोटे से बैटलफील्ड के अंदर हुआ था साहब इनके लिए टेंट कहा लगे थे यार कहीं तो रहे होंगे अठारह मिलियन जो मरे हैं वो तो सिर्फ कुरुक्षेत्र की बात हो रही है नहीं नहीं मैं आई मीन लुक एट इट लुक एट द स्केल ऑफ इट तो मैं एक और चीज पूछता हूँ कई ये जो गुजरात के पास जो रुइन्स मिले हैं यू नो पूरे इंटैक्ट रुइन्स हैं एंड दे जस्ट बरीड वन वंडर्स व्हाई वुड यू बरी एवरीथिंग हमारे में तो नहीं करते ना ये हम लोग जमीन के नीचे नहीं डालते व्हाई वुड यू बरी समथिंग आप जमीन के नीचे तभी डालोगे साहब जब उसमें या तो रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी यू कंट्रोल हो बिकम डेंजरस टू गो इट्स अनलिवेबल तो यार इसको जरा गड्ढे में डालो बंद करो इसको ये yes सुनो no? तो क्या हुआ था उस रीजन के अंदर इंडस वैली रीजन के अंदर कि एक दो हजार साल से कोई वहां जाने को नहीं तैयार था सब कुछ गड्ढे जमीन के अंदर भर गया क्या हुआ था वहां वॉट वेपन वॉज यूज कि पूरी सिविलाइजेशन गायब होगी लोग बोलते हैं जब नदी खराब होती है जब नदी चली जाती है तो सिविलाइजेशन civilization... नदी तो थी नदी तो अभी भी है जो सिंध नदी है वो तो अभी भी है हाँ, वो पाकिस्तानियों ने पूरी खाली वो अलग चीजें बट द रिवर सिस्टम स्टिल देर इट्स नॉट लाइक सरस्वती ना कि गायब होगी लोगों को जान के हैरानी होगी सरस्वती 21 मील चौड़ी थी बिल्कुल ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर चौड़ी ठीक है आज सरस्वती के मैप जो पोटेंशियल मैप है उसमें आप ड्रिलिंग करेंगे आपको पानी डिफरेंट दिखेगा वहां ऑल दिस सर क्योंकि हिस्ट्री में क्या हुआ है क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन मैं तो बोलता हूँ सर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड क्योंकि जो योग है वो इवॉल्व होते हुए ये योग ऐसा नहीं है कि चार साधु बैठे शुरू हो गए ऐसा <laughs> नहीं होता इट वुड हैव वु थाउजेंड फॉर दो सौ तीन सौ पांच सौ जनरेशन ने इसको यूज किया होगा तब जाके लोगों को पता चला होगा ये योग है भाई इसके बारे में लिखो यार क्योंकि जब वॉर शुरू बोलो हुई लोग बोले ये तो पूरी नॉलेज चली जाएगी यार लिखो इसको किसने वेद लिखे कहा लिखे क्या देन पीपल सेपरेटेड क्यों भाई आप ब्राह्मण हो आपके अंदर आप प्लीज ये सब याद करो अपनी आगे जनरेशन को बताते रहो हम तो लड़ रहे हैं यहां पर तो वो वर्ड ऑफ माउथ से ट्रांसफर हुआ सब कुछ आगे वाई एम आई हिस्ट्री हमको पता नहीं है सर

मिडिवल एंशिएंट टाइम्स के लेट्स से फ्रॉम जीरो ईयर टिल 580 एडी आप तब के ट्रेड रूट्स देखिए भारत के यू विल फाइंड वी वर स्टिल यूजिंग द रेड सी हम अरेबिया की तरफ ट्रेड होती थी हमारी हम रेड सी से इजिप्ट के साथ ट्रेड कर रहे थे तो वी वर स्प्रेड ऑल अराउंड अफ्रीका के साथ ट्रेड होता था हमारा साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड था हमारा एंड वी कंट्रोल्ड वी कंट्रोल्ड आवर ओशन लाइंस कंट्रोल्ड एवरीथिंग तो आपका एक जो स्ट्रक्चर है आप जो बोल रहे हो कि साहब मेरे दो हाथ हैं मेरे देश के आसपास एक हाथ जाएगा मेडिटेरेनियन तक और दूसरा हाथ जाएगा साउथ चाइना सी तक उसके लिए आप सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स बना रहे हो आज ईस्ट में अगर आप देखें तो क्वाड देखिए क्या बनता है जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो एक तो अगर आप मैप में उसको एक रेक्टैंग बना दे वहां पर तो आपको दिखेगा कि ईस्टर्न आर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वहाँ पर. उसका मिलिटराइज वर्जन है ऑक्स ठीक है बीच में आप अपने भी और स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हो वियतनाम के साथ आपके डिफेंस डील है इंडोनेशिया के साथ डिफेंस डील है फिलिपींस के साथ डिफेंस डील है मैप आप देखेंगे आपको दिखेगा ये तीन पेरेफरीज है साउथ चाइना सी की जापान के साथ आप कोप्रोडक्शन की बातें कर रहे हो ऑलरेडी सो आपका एक तरफ का ईस्टर्न नाम आप सिक्योर करने की बात कर रहे हो वेस्ट में आ जाइए सर, क्या बना आई टू यू टू बना इंडिया इसराइल यूएई यूएसए ये कहां पर ऑपरेशन होता है इसका मेडिटेरेनियन और रेड सी एरिया में नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें मेरिट्रेनियन और रेड सी एरिया में कौन सा एक ट्रेड रूट निकला विच इज कॉल्ड आई एम ई सी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर तो आप वहीं पे वापस हिस्ट्री में जा रहे हो जहां पर आपकी ट्रेड रूट्स थी एंड वहां पर जाके आप सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने लिए ताकि आप अपनी इंटरेस्ट को यू कैन क्लियरली तो हिस्ट्री प्लेज अ लार्ज रोल सर ठीक है जो आपका पुराना एक स्ट्रक्चर था आप उसको उसको रिक्रिएट कर रहे हो विद द करंट कंट्रीज एंड सेटिंग अप योर ट्रेड रूट एंड जो पिछले सवाल में आपने पूछा था कि आप कब देखोगे इंडियन नेवी को जाते हुए इन एरियाज के अंदर यू दी इंडियन नेवी गोइंग तो आप एक चीज देखिए भारत है उसके दो हाथ हैं एक जाता है वेस्ट में जहां पर आप इसराइल के साथ काम कर रहे हो साउदीज के साथ काम कर रहे हो इमराथीज के साथ काम कर रहे हो बाय के साथ अभी आपकी पंद्रह दिन की मिलिट्री एक्साइजेस है दो से पंद्रह सत्रह तारीख तक जनवरी अच्छा, ता? तो काम कर रहे हो प्लस आप फिलीपींस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो विच इज एज ऑफ चाइना सी यू आर स्लोली इवॉल्विंग इनटू दैट भारत ये चीज हम बोलते हैं सर चैनल में बहुत बारी कि भैया जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम भारत बिकेम हिंदुस्तान देन बिकेम इंडिया एंड अब वो जर्नी वापस वापस भारत भारत जाएगी आप जैसे बोल रहे थे कि भाई रामलला जी का वो बन रहा है तो बहुत लोग इस चीज को बोलते हैं कि दिस इज द रिटर्न ऑफ भारत वर्ष वो तो इतिहास बोलता है अयोध्या अयोध्या कैपिटल मनु ने बनाई थी नगरी एंड इंटरेस्टिंगली किर्गिस्तान में जो जेंगुशु चोकुशु है बिन रिगार्डेड एज ए मेरू पर्वत एंड उसके ऊपर तो हमारी हस्तिनापुर की सिक्योरिटी वहां पे शुरू होती थी और जी? चीन इतना जो उछलता है उसको बोलना चाहिए कि भाई साढ़े सात हजार साल से तूने कर नहीं दिया अभी तक तो यूनिट पे टैक्सेस इट वॉज अंस ऑफ हस्तिनापुर

इंडिया ने अभी तक अटैक पे काम नहीं किया था अब तक और इट इज ए मच मोर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए आपको पहले तो यू स्ट्रक्चर मैं सही में बोलू तो साठ सत्तर साल से हमने सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान की घंटी बजा बजा के वी आर बीन वेरी हैप्पी विद दट विच इज द देखिए सर आपको मेरे को हिस्ट्री अपनी पता नहीं है दुनिया को आपकी हिस्ट्री पता है और दुनिया को पता है नो uh, so, you know, पाकिस्तान को आपको क्रिएट करके रखा आपकी जितनी भी वॉर हुई है कहा हुई हैं सर ओशन में आपने एक बॉल लड़ी है सेवेंटी में आपने कुछ एक्शन किया था ओशन के अंदर ठीक है बट दे नो फोकस यर वॉर् स्टेट इन द नॉर्थ आपका फोकस कॉन्टिनेंटल रखा गया है ताकि आप नीचे की तरफ ना देखें बिकॉज द गेम इज इन दूशन पुरानी एक सीइिंग है दोज कंट्रोल द ओशन कंट्रोल द वर्ल्ड सिंपल एज दटैक योर एयरक्राफ्ट कैरियर ये वो नो वन वेपन विल विन वॉर सर ठीक है नो वन थिंग भाई अगर मेरे पास ये चीजा ऐसा नहीं होगा इट इज अम्बिनेशन ठीक है नाउ एज फार एज अटैकिन योर पॉइंट इज वेरी वैलिड बट उसका जवाब यही है सर आपका फोकस हमेशा वहां पर नॉर्थ में रखा गया कि यार आप जरा नॉर्थ में देखिए आप ओशन में आपका कोई काम नहीं है इंडियन ओशन में आपके नाम पे रखा हुआ है लेकिन आपका काम नहीं है वहां पर दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस मैं सबसे व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करूंगा भारत का मैप लीजिए और जहां पर वो साउथ इंडिया ऐसे आता है ना उसको जरा उल्टा करिए आपको देखिएगा आपका लैंडमार्क तो इतना सा है ओशन इतना बड़ा है बहुत बड़ा है दैट इज योर्स हाउ डू यू वो रियलाइजेशन सर हमको काफी लेट आई है पर हमारे हमारे शास्त्रों में तो पहले से है जैसे फॉर एग्जांपल ऋषुलु है, बिकॉज द अगस्त्य मुनि के बारे में जब वर्णन होता है तब वो लंका से और भी नीचे जाता है मतलब तो अभी तो आजकल हम लोग लंका भी किसी और को बुलाते हैं लेकिन वो नीचे और भी नीचे जाता है ऋषभ ऋषभ पर्वत आता है फिर पुष्पक आता है वेरी मु, माउंटेंस आर देयर तो ये जो You know, देखिए क्योंकि जो मैप आपको दिखाते हैं वो भी ठीक नहीं है अभी uh, you know, uh, वो ठीक नहीं रहता है सो वन लास्ट क्वेश्चन छोटा बना रखा है छोटा बना रखा है भारत बहुत बड़ा देश है जैसे अगर मैं एरिया को बताऊेबल एरिया इन इंडिया इज हंड्रेड परसेंट Livable area of mainland USA, जो की ब्राजील से भी छोटा मेन लैंड है इज ओनली फोर्टी फाइव परसेंट कोस्ट पे रहते हैं बीच में कोई रह नहीं सकता वहां पर नेटिव डाला in आपसे तो बहुत सारा हम लोग बात करते रहेंगे इंडिया uh, में अभी हमने ग्लोबल साउथ में हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने पूछा था क्वेश्चन नेटिव को कभी इन्वॉल्व नहीं किया

थी उसके अंदर एक चीज क्या हुई थी द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपोलिटिकल इवेंट दट है सैंक्शन जो भी ऑयल सैंक्शन थे आपने बोला आप नहीं मानते उनको हम ऑयल खरीदेंगे इट ड मैटर एंड एक जो वर्ड निकला उससे उसको बोल, बोला गया स्ट्रेटिजिक इटोनॉमी ऑल दो ये चीजें ये कॉन्सेप्ट पहले थे सर बट द वर्ल्ड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स की लोग अपने इंटरेस्ट के लिए देखेंगे लोग यूएसए की बात नहीं सुनने वाले वॉज आफ्टर यू सेट प्लीज गो सॉरी बिकॉज यू डोंकर जी ने एक डायलॉग दिया था कि यूरोप फील्स यूरोप प्रॉब्लम 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 वेरी हार्ड हिटर जो चीज पहले ओपनली किसी ने नहीं बोली थी नो बडी एट टोल्ड दिखा बिहेवियर्स एंड कई लोगों ने कोशिश भी करी भी हो तो उनको इतनी जोर से डंडा पड़ा था कि दे ट्राई एंड डू इट अगेन हेयर वॉज अ कंट्री जो पूरी तरह से थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट एट जो भी आप अंडर ट्रिलियन इकोनॉमी ये खड़े होकर बोलता है मैं नहीं सुनने वाला यार आपको जो करना That an in terms of a का क्या मतलब है कि आप अपने लिए बात करोगे अपने के लिए बात करोगे उससे आपका एक लोगों ने पहचाना शुरू किया ये कौन है ये क्या बोला यार ये क्या सेम चीज आपने करी वैक्सीन के लिए सो so पीपल एक बार नहीं ये आदत है कि हमारे पॉलिसी में पहले भी ऐसी, था, अभी भी ऐसी है, क्या डिफरेंस है आप इतना क्यों मोदी साहब है तो आप बड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो नहीं वो चीज जो बोल रहे हैं एब्सोलूटली करेक्ट है लोग बोलते हैं कि पहले भी हमारी पॉलिसी ऐसी थी हमारी अभी भी ऐसी है डिफरेंस इज वन इंटेंशन, दूसरी कैपेबिलिटी कि आपके पास एक मानसिकता है कि आप जाके कुछ करोगे उसके बारे में ठीक है फालतू में बोलते ना वो डमरू की तरह गड़गड़ गड़गड़ आवाज गड़, गड़ नहीं निकलेगी आप यू विल एक्चुअली डू समथिंग दूसरा है कि भाई इंटेंट है आपका इसका एंड आज आपके पास एक कैपेबिलिटी भी है कि आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हो पहले जमाने में नहीं थी आपके पास यू आर अजाइल फाइव इकोनॉमी सर हालत इतनी खराब थी आप, आपकी नाइनटीज से पहले तो हम लोग वो थे कॉम्युनिस्ट थे, थे so called, रहा, पीछे सैमसंग टैप जेपर लगा दिया रीपैकेजिंग We हम किसी को क्या बोलते हैं आगे आज आपके पास इंटेंट भी है केपेबिलिटी है और दुनिया देखती है इस चीज को दुनिया बोलती है अगर ये खड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता क्या होगा बट लोग बोलते हैं यार नहीं यार यूएसए कुछ करेगा अच्छा तो एक काम करते हैं ना भारत के साथ जाके फिर बात करते हैं वहां से लेट्स यूज द इन्फ्लुएंस ऑफ भारत तो हम हमको ये चीज दिखी एंड वी सेड आरोप सारे सारे आरोप ग्लोबल साउथ लेट्स टॉक ना आप उनसे कुछ मांग रहे हो ना आप बोलते हो भाई अपनी ना नहीं नहीं, नहीं आप कल से ना पैंट शर्ट नहीं पहन के आओगे पैंट ऊपर चढ़ाओ शर्ट नीचे चढ़ाओ अमेरिका ऐसे करता है नहीं 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 आपने ना ये जो कलर है वो ठीक नहीं है अरे भाई आप कौन होते हो यार मेरा देश है मैं जो मर्जी करूं आप ना किसी से कुछ मांगते हो आप बोलते हो जो मेरे पास है प्लीज लो आप अपने देश के लिए भला करो ग्लोबल साउथ में जाके आपने एक रिपोजिटरी खोल दी और बेस्ट प्रैक्टिस मतलब और उसके अंदर बाय द वे टेक्नोलॉजी है आप लोगों को फ्री टेक्नोलॉजी दे रहे हो कि साहब ये लोग अपने कंट्री में करो नो प्रॉब्लम टेक इट सम समेक्नोलॉजी आप बोलते हो वी विल सेल इट 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 बट लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूजिंग टेक नो प्रॉब्लम डू करो अपने आप सो so, दुनिया बोलती है यार ये बड़ा डिफरेंट है यार ये क्या है इसके पास खुद ज्यादा पैसे नहीं है लोग इसके भी अभी भी वो है इनके पास पूरे पैसे नहीं है खाने को कम है देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स बट ये फिर भी बोलता है यार आप करो अपने देश के हिसाब से करो मेरे को आपको देश में कुछ चेंज नहीं करना आप जो भाषा बोलते हो बहुत बढ़िया हमको भी सिखाओ आपका कल्चर क्या है आप बताओ हम हम क्या आपसे अडेप्ट कर सकते हैं आपका जो एक अप्रोच है वो डिफरेंट है सर कमिंग अक्रॉस इन इन अ अ वेरी वेरी डिफरेंट वे वे क्वाइट सटल आप किसी को ये नहीं बोलते कि आप काले हो बूरे हो आपके बाल ये नहीं है आपके सिर में ये क्यों है आपने दाढ़ी क्यों उगा रखी है ये नहीं बोलते आप किसी को आप बोलते हो सर वेरी गुड यूर अर्सन नाइस टू मीट यू आप, nice nice आप हमसे ये सीखे हम आपको ये देते हैं हमको आप जरा आप ना ये कर रहे हो अपनी कंट्री में जरा दिखाओ क्या हम भी सीख लेंगे आपसे सो यू वांटिंग टू बी इन्वॉल्व इन देयर कल्चर उससे जो छोटे छोटे देश होते हैं ना सर उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये हमको खाएगा नहीं ये बोलता है साहब जितना मेरे में बनता है मैं आपको दे दूं प्लीज टेक इट सो नो कल्चर इज नो हार्मीजन इज यू नो जो नेटिव्स होते हैं उनके लिए कुछ नहीं एज ए मैटर फैक्ट तो आप तो ट्राइबल्स uh, के बारे में काफी बातें करते हो तो वो बोलते हैं यार ये देखो ये भी बड़ा जबरदस्त है तो मेरे को कोई हार्म नहीं है इस कंट्री के साथ डील करने में भारत का तो एंड ग्लोबल ट्राइवल से ठीक है ये मैसेजिंग है सर दिस इज ऑल वेरी क्लियर मैसेजिंग फॉर द वर्ल्ड गोल्डन मैसेज दूसरी चीज आप देखिए आप बोलते हो साहब ऐसा है ये ग्लोबल साउथ हमने किया था अब हम हर साल करेंगे तो लोग बोलते हैं अच्छा जी हर साल करोगे क्या करोगे उसके अंदर तो आपने दस से दस चीजों का एक चार्टर बना दिया जिसके अंदर कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज पार्ट ऑफ देम चौबीस मीटिंग्स होंगी साल के अंदर ठीक है एक सौ तीस कंट्रीज के साथ विच विल एंड अ समिट मतलब हेड ऑफ स्टेट्स मिलेंगे तो आप एक अप्रोच कर रहे हो विच इज टोटली डिफरेंट देन वॉट एवरीबडी ट्राइड अमेरिका डिड कनेक्ट विद यू फ्रॉम माई हार्ट आई वॉन्ट टू वर्क विद यू आप बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है मेरे पास सोल्यूशन है मैं आपको दूंगा आप ये भी समझो मेरी क्या है? आपके है? आप दो। It's a relationship ऑफ इक्वल्स तभी लोग आपको बोलते हैं साहब बोलो लेट्स डू कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट्स वर्क लेट्स वर्क together, लेट्स वर्क टुगेदर कई बार पॉलिटिकल इश्यूज के चक्कर में लोग इधर उधर बह जाते हैं

सेंचुरी ऑफ भारत विल बी अ प्लेस वेन भारत शाइन्स एंड मेक्स द वर्ल्ड शाइन विद इट हम दुनिया को साथ में लेके जाएंगे दुनिया को लीड करने के लिए आपको हमेशा आगे नीचे चलना होता है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के साथ चलना होता है ग्रेट लाइन ठीक है अपने आप को लीडर बोल के कोई मिलता नहीं है मैं पॉलिटिशंस को यही बोलता हूँ भाई आप लीडर क्यों बोलते हो क्या लीड करा आपने आज तक Leader. पॉलिटिशियन लीडर बोल के कोई लीडर नहीं बनता सर. अगर मैं आपको लीडर मानता हूं अगर मैं आपको बोलू आप मेरे लीडर हो तब आप लीडर बनते हो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं आदि का लीडर हूं आदि बोलते अच्छा you have to be considered a leader not call yourself a leader adi telling adi i am a leader <laughs> <laughs> thank you sir actually wonderful very amazing very moving and touching also uh, i can tell one thing Tulsi ji is a leader because he inspired from 17th century till date shivaji maharaj is a leader he inspired yeah. many countries not just india vietnam north korea own king. जो की अपने आपको कभी बुलाए नहीं सब लोग अपने आपको सेवक बोल रहे थे <laughs>